हेलो फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट जन्माष्टमी के अवसर पर मेवा पाक बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ। देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जन्माष्टमी पे ये अक्सर हमारे घरों में बनते हैं और सभी घरों में बनते हैं और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होते हैं। व्रत होता है हम लोग का जन्माष्टमी पे, तो इसको हम लोग मीठे के रूप में और प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए गाइस, इसकी रेसिपी बना लेते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। अब हमारा घी गर्म हो गया, पिघल गया अच्छे तरीके से। अब मैं जब घी हल्का गर्म होता है तभी हम इसमें 2 चम्मच गोंद डाल देते हैं। गोंद को हमें हल्की आंच पे ही फ्राई करना है, क्योंकि गोंद जब तक अगर अंदर तक नहीं हमारा पकेगा तो वो अंदर से उसमें गांठ पड़ी रहेगी, जो कि सही नहीं है। तो हम हल्की आंच पे ही गोंद को भूनेंगे। देखिए, गोंद अच्छी तरीके से फूल गया है और इसे हमें धीमी आंच पे ही करना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये अंदर तक बिल्कुल पक जाना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम 4 बड़े चम्मच काजू भून लेते हैं। आप चाहे पूरा काजू लीजिए, चाहे इसको आप टुकड़े काजू लीजिए, सभी को हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें हल्का लाल होने तक भूनना है। अब यह हमारा काजू हल्का सा लाल हो गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम 4 बड़े चम्मच बादाम डालेंगे और इनको भी हम हल्का भून लेंगे। आधे से पौन मिनट में हमारे बादाम अच्छे से भून जाते हैं। अभी हमारे बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए, हल्का सा इसमें लालपन आ गया। अगर ज्यादा फ्राई करेंगे तो ये हमारे जलने लगेंगे और हल्का सा इसमें कड़वापन आ जाएगा। इन्हें सब निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम 1 कटोरी मखाने डाल देंगे और इसे भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्का सा लाल हो जाएगा वैसे ही हम मखाने निकाल लेंगे। अभी मखाने भी हमारे अच्छे से भून गए, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। अब हमारी सारी मेवा अच्छी तरीके से भून गई है और मैंने ये एक पीसने के लिए अपना कुटना लिया है और इसमें हम जो जितनी मेवा है इसे हल्की दरदरी कूट लेंगे और जब हम मेवा पाक बनाएंगे उसमें हम एक कूटी हुई मेवा ही डालेंगे। इस तरीके से हम सारी मेवा कूट लेंगे। ये मेरे मखाने अच्छी तरीके से मैंने इनको कूट लिया है। अब हम बादाम कूटेंगे। अब हमारा ये बादाम भी हमारा कूट गया है। अब हम इसी घी में ये खरबूजे की मिंगी डाल देंगे, ये 1/2 कप मैंने लिए, और इसे हल्की आंच पे हम भूनेंगे। जब इसमें चटर चटर की आवाज आएगी तब समझ लेंगे हम ये भून गई। अब ये हमारी अच्छी तरीके से चटर चटर की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें 1 कप ग्रेटेड कोकोनट डाल देते हैं, इसे भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब ये अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून किशमिश डाल देंगे, ये भी अच्छी तरीके से भून लेंगे हम इसे। अब हमने सब कुछ कूट करके इसमें इसमें गोंद है, काजू है, बादाम है और मखाने सब कूट लिए अच्छी तरीके से और उसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हमें पाक बनाने के लिए चाशनी बनानी होगी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप शक्कर ले लिए, 2 कप मैंने शक्कर लिए और इसमें 1 कप पानी डाला है और ये अच्छी तरीके से हमारी घुल जाएगी और जब इसमें एक लंबा तार बनेगा तब हमारी चाशनी ये पाक के लिए तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक मैं जमाने के लिए एक प्लेट तैयार कर लेती हूँ। उसमें मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें हम अच्छे से घी को लगा देंगे। अब हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं। देखिए, चाशनी हमारी हल्की हल्की गाढ़ी होने लगी है और इसका हम तार देख लेते हैं। हल्का तार बनने लगा लेकिन हमें लंबा तार चाहिए, तो अभी इसको पकाने में थोड़ी कसर है। अब देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है और इसको तैयार करने में हमें 10 से 12 मिनट का समय लगा है और देखिए इसमें तार भी बनने लगा है। बहुत गर्म होती है, बहुत आराम से आपको इसको लेना है
और देखिए इसका तार कितना लंबा तार, बहुत गर्म है, देखिए कितना लंबा तार हमारा, देखिए तैयार होने लगा है। इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। अब हम इस चाशनी में 1/2 चम्मच इलायची पाउडर मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे। मीठी चीज़ों में इलायची पाउडर बहुत अच्छा लगता है। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें अपना ये जो मिक्सचर है वो सब मिलाते रहेंगे और इसे अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिल जाए। और अब हम गैस को जला देंगे और धीमी आंच पे इसको 1 से 2 मिनट, जब तक हमारे जो मिक्सचर है वो कढ़ाई ना छोड़ दे, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। देखिए हमें धीमी आंच पे इसको लगातार चलाना है और जब हमारा ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो हमें समझ में जाना है कि हमारा ये मिक्सचर जमने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए ये हमारी कढ़ाई छोड़ने लगी है, एक दूसरे में मिक्स होने लगी है, इसका मतलब ये हमारी बिल्कुल जमने के लिए तैयार है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को और इसको हम प्लेट में डाल देते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी जम गई है और इसमें हम हल्के से कट लगा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जम जाती है तो उसके बाद ये इसमें कट लगना मुश्किल होता है। अब इसमें हम गर्म में ही हल्का सा इसके पीसेस बना देंगे। देखिए मैंने इसके गरम पे ही पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे और ये हमारी अच्छे से मेवा पाक बनके तैयार हो जाएगी। लीजिए अब हमारी तैयार हो गई बहुत ही बढ़िया मेवा पाक जो कि जन्माष्टमी के अवसर पर बनाई जाती है। और मैंने इसके देखिए पीसेस जो काटे थे वो उन्हीं पीसेस से हमने अलग कर लिया है। थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जो पीसेस हैं वो कुछ निकलते हैं, कुछ चूरा निकलता है, तो ये जब आप मेवा पाक बनाएंगे तो उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं और जन्माष्टमी पे व्रत में हम लोग इसी को खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।